हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपने सिस्टर के घर। उठने में थोड़ा लेट हो गया मैं, तो आज है मंडे। तो सोचा सिस्टर ने नया घर बनाया है, इसका मैं आपको रिव्यू दे दूँ। तो ये बहुत ही अमेजिंग सनराइज़ है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और बर्ड्स की चर्पिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। तो सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ और रहता है, बिल्कुल मौसम वेदर फ्रेश रहता है। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से घर, फ्रंट इसका। रेहान जा रहा है स्कूल, इसके स्कूल का टाइम हो चुका है। तो ये है समर, इसका फ्रेंड। ये बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको अंदर से होम टूर। ये अपनी इधर उधर झाड़ू लगा रही है। नहीं, ऐसे थोड़ी मारते हैं, अच्छे से। तो ये अंदर घुसते ही सबसे पहले, तो ये वाला पोर्शन मुझे बहुत ही अच्छा शानदार लगा, देख सकते हो आप। इधर भी लगाए हैं कुछ, अभी सेटिंग पूरी हुई नहीं है सामान की, कहाँ कहाँ क्या लगेगा। अभी हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए। तो इधर हरलीन, हाय हरलीनू, हाय। तो सबसे पहले अंदर का होम टूर दे देते हैं। सुबह के बज गए हैं 8। तो अंदर घुसते ही सबसे पहले लॉबी आ जाती है। ये है की होल्डर, तो लॉबी देख सकते हो आप। डाइनिंग टेबल। तो इधर बाबा जी की फोटो लगी है रूम्स के बिल्कुल फ्रंट में, बहुत ही अच्छी है। तो पहले आपको किचन दिखा देते हैं। ये रहा किचन। किचन में शेल्फ बहुत ही शानदार बनाई है, कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। देखो तो नीचे भी शेल्फ है। तो ये रही स्मोक चिमनी। यहाँ पे पीतू बर्तन साफ करते हुए। ये लॉबी एरिया वाइड एंगल से दिखा देता हूँ एक बार। ये वाइड एंगल है, इसमें थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं आती लेकिन दिखता सब कुछ है। तो अभी सामान ऐसे ही पड़ा है गाइस। आप सोचोगे कि होम टूर दे रहे हैं लेकिन सामान बिखरा पड़ा भी। ये देखिए बहुत ही अच्छी सीनरी है। दो रूम्स हैं इसमें, एक ये रूम है, एक और दिखा देता हूँ आपको, इस साइड में है वो। ये सामने है मिरर। पहले अंदर अंदर का दिखा देता हूँ आपको, फिर बाहर का दिखाता हूँ दूसरी साइड से। तो ये सेकंड रूम, सेकंड बेडरूम। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही बेस्ट तरीके से लगा रखी है, ऐसे ये फोटो। तो ये बाहर का एरिया है, वो जो आप देख रहे हो ये पशुओं के लिए बनाया है। ये मैं दिखा दूंगा आपको उधर से घूम के। तो इसके साथ में ये अटैच्ड बाथरूम है जो कि काफ़ी लग्जरी टाइप बनाया है, देख सकते हो आप। तो एक डोर इसका बाहर से है, इसको बंद कर देते हैं। अभी बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बर्तन धो रही है पीतू। तो अभी आपको दिखा देते हैं ड्राइंग रूम। और ये सोफ़े मुझे बहुत ही शानदार लगे गाइस, कमेंट करके बताना कि सोफ़े
आपको कैसे लगे? बहुत ही अमेजिंग है। और ये इधर दीवार का जो डिज़ाइन है ये भी अमेजिंग है, काफ़ी देख सकते हो आप। वाइड एंगल से दिखा देता हूँ आपको पूरे ड्राइंग रूम का एक बार। तो भाई ये सीनरी है गोल्डन टेंपल अमृतसर साहिब की, तो बहुत ही अमेजिंग है। ड्राइंग रूम में लगी है ये देख सकते हो ऊपर की लाइट्स कितनी शानदार है। ब्लू और येलो कलर का कॉम्बिनेशन लाइट का बहुत ही शानदार है गाइस। बहुत ही अट्रैक्टिव लाइट्स हैं, उतने ही अच्छे सोफे। तो इधर आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो ड्राइंग रूम में चार चांद लगा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा घर है लेकिन बहुत ही लग्जरी टाइप बनाया है। तो अभी बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, घर के बैक साइड का व्यू। तो ये जो बाथरूम था रूम के अंदर से अटैच्ड, उसका डोर था ये, ये अंदर से बंद है, अभी अंदर से बंद किया था। तो ये बाहर वॉश बेसिन है देख सकते हो। तो ये एक साइड से गली है, जैसे कोई घास लेके आते हैं खेतों से, घास लेके आएंगे तो इस रास्ते से आएंगे पीछे पीछे और सीधा बाड़े में। हाँ जी, गीशु बुला रही है मुझे, आ रहा हूँ। तो ये है गाइस, ये भैंस को पीने के लिए पानी। इस घर की खास बात यह है इसके पीछे भी एक गली लगती है, घर के बैक साइड में भी एक गली लगती है। अभी भैंस को इधर लेके आए नहीं है, पुराने बाड़े में ही बांधी है वो। अभी सामान देख सकते हो आप ऐसे ही पड़ा है इसमें, ये उसके लिए घास है। ये गीशु ने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। गीशु कपड़े पहनो, जल्दी से कपड़े पहनो। ये घर के बैक साइड का छत से है ये क्या बोल रहा हूँ। तो ऊपर से भी दिखा देता हूँ आपको एक बार मैं। ये रेलिंग है पूरी स्टील की है। तो ये दो खिड़कियाँ हैं जिससे फ्रेश हवा अंदर आएगी। तो ये लोहे का गेट लगा है इधर, इसको खोलते हैं। तो ऊपर से गांव कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये फ्रंट साइड का है, ये फ्रंट साइड का है एरिया पूरा घर के फ्रंट साइड का। घर के बैक साइड का व्यू भी बहुत ही अच्छा है, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये सामने इस तरफ भी खेत हैं बैक साइड में, इस तरफ गांव है, पूरे मकान है देख सकते हो आप। सामने सिस्टर जा रहे हैं खेत में। तो देख सकते हो आप, इन खिड़कियों से हवा फ्रेश जाती है, मक्खी मच्छर नहीं जाता क्योंकि ये जाली लगा रखी है। खिड़कियों को खोल के रखते हैं दिन में, रात में भी खुली रहती है, अगर बाहर जाना तो बंद कर देते हैं इनको। तो फिर यहाँ से फ्रेश हवा नीचे जाती है, मतलब एक एक चीज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना के रखी है। एक खिड़की इधर भी है देख सकते हो आप, ये है तिरंगा पूरे शान से लहरा रहा है छत के ऊपर। तो अभी चलते हैं नीचे, ऑलमोस्ट मैंने आपको होम टूर दे दिया है, अभी कुछ रहता है तो देख लेते हैं एक बार। छत से उतर के हमारी लॉबी आ जाती है, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप,
टीवी अभी पुराना है, नया लाएंगे, यहाँ पे एलईडी लगेगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है। लॉबी भी बोल सकते हैं, एंट्रेंस हॉल भी बोल सकते हैं इसको। कुछ वीडियो शॉट मैंने रात में निकाले थे तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये बाहर का बाथरूम दिखा देता हूँ आपको, आपको एक बार दिखा देता हूँ अंदर से। यहाँ पे इंग्लिश सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है, देख सकते हो आप, शानदार बाथरूम है ये भी। ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी ये बाहर खड़ी है। तो ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। तो गाइस कैसा लगा मेरा होम टूर? तो बहन ने घर बनाया, बहुत ही शानदार, अमेजिंग, बहुत ही पैसा लग गया इसमें, कम से कम 40 लाख तो लगा ही लगा है। तो और भी अभी कोई सामान लाना बाकी है, कुछ करना बाकी है, ऑलमोस्ट आ चुका है सारा सामान, 90% सामान आ चुका है घर में, बिल्कुल नया। डाइनिंग टेबल, बेडरूम में जो बेड्स वगैरह हैं, सब कुछ, सोफ़ा वगैरह जो आपने देखा है, अमेजिंग है गाइस। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक भी जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, अगर किसी चीज़ में कोई कमी लगती है तो कमेंट भी जरूर किया करो कि यहाँ पे कुछ गलत है, ये इसको सुधारो या कुछ भी। आप कमेंट करते नहीं हो, वीडियो देते 500 व्यू आता है वीडियो पर, 40 लाइक होते हैं, लाइक नहीं करते, वीडियो देखते हो कम से कम लाइक तो करो। तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।